अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रूट चाट और वो बना रही हूँ मैं क्रीम से, और क्रीम का मैंने लिया है एक पैकेट। तो मैं फ्रूट काट रही थी, तकरीबन काफ़ी सारा मैंने फ्रूट काट लिया है, मैं आपसे शेयर कर दूँ। मैंने केले लिए हैं 4 अगर, और अब इसमें मैं चीनी डालूँगी ताकि काले ना हो। और अंगूर लिए, मैंने थोड़े से अंगूर ले लिए। चीज़ें डालती जाऊंगी और साइड करती जाऊंगी। 2 अदद सेब लिए हैं, नार लेंगे थोड़े से बस। और पपीता, जो फ्रूट है हमने उसी से बनाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है ये टेंशन लेने की जी कि हमारे पास ये फ्रूट है और ये नहीं है। पपीता जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको अपनी खुराक में, मैं पपीता बहुत शौक से खाती हूँ। फैटी लीवर होता है आजकल, तो ये लीवर का मसला बहुत आम हुआ हुआ है, तो इसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। तमाम फ्रूट, कहते हैं ना 1 apple a day कीप्स डॉक्टर अवे, तो एक सेब खाने से क्या है कि बीमारियां दूर भागती हैं, आप डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन कहाँ खाया जाता है, अंगूर हैं विटामिन सी का ख़जाना, अनार दिल के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, बेड कोलेस्ट्रोल ख़त्म करने के लिए अच्छा कोलेस्ट्रोल पैदा करता है। पपीता तो बेइंतहा मुफीद है, तो मैं तो उसको अपनी डाइट में रखती हूँ। और केला जो है, आपको पता है कि वो बेहतरीन है, कैल्शियम का ख़जाना है, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का। आप कोई भी फ्रूट है टू टेस्ट लें, ये नहीं कि आप भर लें और फिर वो खाया ना जाए। आपको पता ही है कि हमारी तो फैमिली 2 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, तो मैं उतना ही लूँगी कि चलो जितना मैं खा सकती हूँ। हम फ्रूट चाट बहुत बनाते हैं, बहुत बार बनाते हैं, लेकिन वीडियो मैं कम ही अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं नमक मेरे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो पपीता हमारा बहुत अच्छा सा है, पका हुआ पपीता है लेकिन बेहतरीन है। इसकी जो ये ऊपर की जो ये है, इसको हम साफ कर लेंगे, इसको भी ऐसे छोटा छोटा काट लेंगे। अब ये पिसी हुई चीनी, 1 teaspoon मैंने केलों के ऊपर स्प्रिंकल की थी, टोटल मैंने 2 tablespoon लिया चीनी, इससे भी बल्कि कम ही ली है क्योंकि ये पिसी हुई शुगर है, तो ये मैंने कम ही ली है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अंगूर, सेब, अनार, पपीता, केला, ये तमाम चीज़ें बड़ी हेल्दी हैं, हेल्दी। तो हम दोपहर को खाना नहीं खाएंगे, बल्कि ये फ्रूट से ही हम फ्रूट ही हम खाएंगे। चलिए मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। और ये मैं खजूरें एंड पे डाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ही ताकत का ख़जाना है। और ये मैं दुबई से लाई थी, ग्लोबल विलेज, मैं बहुत खजूरें लाई थी, कुछ 4-5 किलो खजूर लाई थी। ये मेरी फेवरेट है, हर तरह की मैं खजूर लाई हूँ। ग्लोबल विलेज में सऊदी अरब का स्टॉल था, उधर से लेके आई हूँ। और ये ज़बरदस्त मीठी और इंतहाई मुख्तलिफ़ किस्म की अजवा खजूर, दूसरी खजूर मैं बहुत लाई हूँ। तो ये देखिए, और ये है मैंने जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, हमारे घर में खाई जाती है। तो ये फ्रूट चाट आप ज़रूर बनाएं, और
मुझे सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स से कहें, बहन भाइयों से कहें, पेरेंट्स से कहें, और जो बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो थम्सअप ज़रूर किया करें। थम्सअप नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, आप लोग देखते हो हमारी डिशों को लेकिन आप लाइक नहीं करते। इसी के साथ मैं नई डिश के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।